कर्मिसर मूलभूत सुविधाओं से वंचित। वार्ड नंबर 23 कर्मिसर के बाशिंदों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की। जिला सचिव शहर कांग्रेस के अब्दुल रहमान लुद्रा ने बताया कि इस वार्ड में सड़कें जर्जर अवस्था में, दिन भर चलना दूभर हो रहा है। बारिश के समय पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण घरों से निकलना भी दूभर हो जाता है। उन्होंने जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला साहब से भी सवाल किया कि इस वार्ड में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे। बीकानेर राजस्थान से सुरेश जैन की रिपोर्ट। हमारी मांग बहुत पुरानी है। वार्ड नंबर 23 कर्मिसर जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जर्जर अवस्था में, वहाँ की रोडें गांव से भी बदतर है, वहाँ की स्थिति, पानी जब बारिश होती है तो बारिश में ऐसा महसूस होता है कि वहाँ हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी का जीना क्या, घर से बाहर निकलना भी दूर पर हो जाता है, और वो विकास की बाट जो रहा है अभी भी। और सभी हमारी मांग है, आदरणीय कल्ला साहब से भी हमारी मांग है कि वो लोगों से, उन्होंने और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कहा था कि भी हमारी शाही में, हमारे पैन में शाही डलवा दो, शाही भी अब आ गई है। अब हमारा उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इन विकास कार्यों में भागीदारी बने और हम भी उस वार्ड के प्रभारी रहे, हमें भी गर्व के साथ सीने के ठोक के उस वार्ड में पहुंच सके। हमें भी आज महसूस, शर्म महसूस हो रही है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या स्थिति है, क्यों नहीं हो पा रहा है।